आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साफ दमकती हुई सुंदर त्वचा कौन नहीं चाहता है, लेकिन दाग धब्बे सुंदरता में बाधक हैं। फिर चाहे वो धूप की वजह से, टैनिंग की वजह से, या बरसों पुराना चोट का निशान हो, कुछ दाग काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और ये कई कोशिशें करने के बाद भी नहीं जाते हैं। परंतु घरेलू नुस्खों से आप इन धब्बों से न सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि आपकी स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे आपकी खूबसूरती को जैसे कहीं छुपा देते हैं। चेहरे के बदसूरत दागों को हटाना हर लड़की की चाहत होती है या लड़के की। दाग धब्बों से निजात पाने का पहला स्टेप है कि जैसे ही आप उन्हें देखें, इनका इलाज शुरू कर दें। मुहासों को बिल्कुल ना नोचें और ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें। माइल्ड फेस वॉश से चेहरा नियमित रूप से धोएं और हफ्ते में एक बार हल्का एक्सफोलिएशन करें। धूप में ज़्यादा समय ना रहें। अगर आपको धूप में जाना पड़े तो हाई SPF का सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आप पिगमेंटेशन और दाग धब्बों से बच सकते हैं। सोने से पहले अपना मेकअप उतार कर फेस वॉश करना नहीं भूलना चाहिए। फिर कैलामाइन लोशन लगा लेना चाहिए। आइए अब कुछ एक हम उपायों के बारे में जानते हैं कि कैसे फेस को ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले नींबू का रस। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। यह स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑयल भी हटाता है और मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। नींबू पानी में एक टीस्पून शहद मिलाकर पीने से आपको दमकती त्वचा मिल सकती है। नींबू के रस को कॉटन की मदद से स्किन पर लगाएं। नींबू में एसिड अधिक मात्रा में होता है तो ख्याल रखें कि इसे स्किन पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा देर ना रहने दें। ऐसा करने से स्किन में इरिटेशन हो सकती है। फिर चेहरा ठंडे पानी से धो लें। एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2 नींबू का रस मिलाकर कुछ महीने तक नहाने से त्वचा का रंग निखरने लगता है। इसके बाद टमाटर का पल्प भी लाभदायक होता है। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए यह ग्लोइंग स्किन के लिए बेहद मुफीद है। टमाटर और दूध मिलाकर लगाने से क्लींजर का काम करता है। यह क्लींजर न सिर्फ त्वचा से तेल निकालता है, बल्कि इससे डेड स्किन सेल्स भी हट जाती हैं। इससे चेहरे के निशान भी दूर होते हैं और साथ ही रूप भी निखरता है। हेल्दी स्किन पाने के लिए ताजे टमाटर को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करें। टमाटर के पल्प से अपनी स्किन पर अच्छी तरह मसाज करें और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। इससे न सिर्फ स्किन साफ होती है, बल्कि बड़े पोर्स भी कम होते हैं, बंद होते हैं। मुहासे दूर करने के अलावा यह सन टैन से भी छुटकारा दिलाने में मददगार होता है। इसके अलावा आप चंदन और गुलाब जल के मिश्रण से भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं। गोरी रंगत देने वाला चंदन और गुलाब जल दोनों ही दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने और स्किन को रेडिएंट बनाने में बेहद असरदार हैं। ये एलर्जी और पिंपल भी दूर करते हैं। दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से आपको चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। चंदन पाउडर और गुलाब जल को समान मात्रा में लें और फाइन पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन में अच्छी तरह से लगाएं। जब यह सूखने लगे तो इसे धो लें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है। इसके अलावा आप मेथी के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डार्क स्पॉट या मुहासों के निशान से छुटकारा पाना चाहती हैं तो मेथी के पत्ते बहुत मददगार साबित होंगे। मेथी के पत्तों को चाय की तरह भी पी सकती हैं। पत्तों के साथ थोड़ी सी दालचीनी डालकर चाय बनाएं। यह पीने में टेस्टी है और स्किन की अच्छी दोस्त भी है। मेथी के पत्तों को पानी के साथ अच्छे से मैश करके इनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर
अच्छी तरह लगाएं और 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। जब यह पेस्ट पूरी तरह सूख जाए तब चेहरा ठंडे पानी से धो लें। इसके अलावा केले और खीरे का पैक भी आप यूज कर सकती हैं। केला और खीरा दोनों ही स्किन के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। इनका मेल स्किन को बेहतरीन फायदे देता है। पका हुआ केला खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इससे मॉइस्चराइजिंग फेस पैक बना सकते हैं। यह त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और नमी प्रदान करता है। खीरे के प्रयोग से त्वचा स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहती है। छोटा आधा खीरा और एक केला मैश करके इसमें एक टेबल स्पून शहद और एक नींबू का रस मिला लीजिए। इसमें दो बूंद ऑलिव ऑयल की डाल लीजिए और अच्छे से मिलाइए। इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाइए और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आपको लाभ होगा। इसके अलावा चावल का आटा, केसर, हल्दी, शहद, ग्रीन टी, ये सारे जो हैं ये भी आपके फेस को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मददगार होते हैं। हमने अपने अलग अलग एपिसोड में आपको बताया हुआ है, तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।